हमारे वीडियो का टॉपिक है टेलीग्राम 3.0 में डिलीवरी चालान हम कैसे बनाएंगे और इसके लिए मुझे कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। तो वन बाय वन करके इस सारे प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, अल्टर में चले जाना है, यहाँ से वाउचर टाइप में आ जाना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक ऑप्शन, ये है डिलीवरी नोट का, जिसे हम डिलीवरी चालान भी कहते हैं। इसको आपको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। ये देख लीजिए, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको आपको क्या करना है, यस कर लेना है। ओके, अगर आप डिलीवरी चालान एक मतलब सीरियल नंबर वाइज रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और इसे यहाँ पर ऑटोमेटिक करके इसको ऑटोमेटिक रहने देंगे और इसे रिटेंशन ओरिजिनल वाउचर नंबर के साथ रहने देंगे और इसको यस कर देंगे। यहाँ से स्टार्टिंग नंबर वन रहने दीजिएगा, यहाँ से विदाउट द न्यूमेरिकल पार्ट जीरो, इसको यस रहने दीजिएगा। और ये 1 अप्रैल 2023 या जिस डेट से आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है वो डेट यहाँ पे दे करके फिर यहाँ से 1 अप्रैल दे देना है। और यहाँ पे डिलीवरी चालान का जो भी सीरियल नंबर आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे देंगे। ओके, और ये यहाँ से सेव कर देंगे। ओके, फिर आप बैक आ जाइएगा और यहाँ से कंट्रोल ए सेव कर देना है। तो पहला प्रोसेस जो है आपका यहाँ पर डिलीवरी चालान का रेडी हो गया है। ओके, अब सबसे पहले उसके बाद क्या करना है, आपको सेल ऑर्डर पे आ जाना है। सेल ऑर्डर पे आ जाना है और यहाँ से इसे भी आपको एक्टिवेट कर लेना है। सेल ऑर्डर को भी आप यस कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी यहाँ से यस कर लेंगे और इसको यस कर देंगे। और फिर इसमें भी सेम प्रोसेस, और जो भी आपका सेल ऑर्डर का सीरियल नंबर बनाना है उस हिसाब से आप इसे बना लेंगे और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। ओके, और एस्केप करके यहाँ आ जाइएगा और कंट्रोल से इसे भी सेव कर देना है। अब आपको चले जाना है यहाँ से वाउचर टाइप में। यहाँ पर आपको सेल का जो एफएट ऑप्शन है इसके सेट में आप देख रहे हैं ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और ये सेल वाले ऑर्डर को आपको क्लिक करना है। यहाँ से जिस भी पार्टी को आप का सेल ऑर्डर ले रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है और जो जो आइटम आप यहाँ से उसे उसका ऑर्डर लेंगे वो सारे आइटम को वन बाय वन करके पहले आप यहाँ से ले लेंगे। ऑर्डर नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं जितना क्वांटिटी आप उसे सेल कर रहे हैं वो क्वांटिटी जो भी उसका प्राइस होगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे और इसे सेव कर लेंगे। अगर लोकल है पार्टी तो आप लोकल गुड्स सेल लेंगे, सेंट्रल है तो सेंट्रल गुड्स सेल लेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दूसरा और आइटम जो आप देना चाहते हैं उसे ऑर्डर लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, इसका भी आ जाएगा, इसका भी जो भी आपका प्राइस होगा। यहाँ पे आपको ये भी दिखा देगा कि आपका निगेटिव पॉजिटिव जो भी है उस हिसाब से आप इसे यहाँ पर ले लेंगे। अगर ये आइटम आपके पास ब्लैंक है तो फिर 0-1 पीस बचा हुआ है ये शो कर रहा है, कोई और आइटम ले लीजिए, यहाँ पर इसे ले लेते हैं हम। ओके, और इसका जो भी प्राइस होगा रेट होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे और इसे सेव कर लेंगे। ओके, इस तरह से और कोई होगा तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं और इसका जो भी क्वांटिटी और रेट होगा वो आप यहाँ पे, सिर्फ आपको डेमो पर्पज़ से आपको समझा रहे हैं कि ये इस तरह से प्रोसेस होगा, बस प्रोसेस को समझना है। ओके, और यहाँ से इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे डायरेक्ट आपको यहाँ पे कोई भी आपको सेल ऑर्डर में CGST SGST कुछ भी नहीं लगाना है। ओके, इसे हम एज इट इज सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ से आ जाएंगे कहाँ पर, फिर से सेल वाले ऑप्शन में और यहाँ से डिलीवरी नोट या डिलीवरी चालान वो जो भी होगा वो आप यहाँ से ले लेंगे। रेफरेंस नंबर जो भी आप देना चाहेंगे वो यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद जिस डेट में आप सेल ऑर्डर मान के चलिए आपने 5 तारीख को लिया और डिलीवरी चालान आप कर रहे हैं 8 तारीख में, तो 8 अप्रैल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इस पार्टी को सेलेक्ट करने से पहले आपको एक काम और करना होगा, यहाँ पर इसे रखना है और यहाँ से F12 प्रेस करना है और यहाँ पर प्रोवाइड द बायर डिटेल
और डिस्पैच ऑर्डर जो भी है इसे क्लिक करके और कंट्रोल ए से सेव कर लेना। अब आप जैसे ही यहाँ पे इसे क्लिक करिएगा, आपने जो भी सेल ऑर्डर ले रखा था पहले वो वाला ऑप्शन आपके पास ऑर्डर नंबर आ जाएगा, इसे आपको एंटर करके सेव कर लेना है, इंड कर लेना है। यहाँ से आपका जो भी टर्म पेमेंट जो भी रहेगा वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, मान के चलिए कैश में है कैश दे दीजिएगा, अगर रेफरेंस नंबर कुछ है तो वो दे दीजिएगा, टर्म ऑफ डिलीवरी अगर आपने कुछ ले रखा है बना रखा है तो वो यहाँ पर टैप कर दीजिएगा और इसे सेव कर लेंगे। ओके, इसे कंट्रोल इसे मैंने सेव कर लिया, जैसे ही सेव किया ऑटोमेटिक आपके पास कुछ भी नहीं देना है, ये आपके पास ऑटोमेटिक आ चुका है, आप देख सकते हैं कुछ भी आपको टाइप नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक इसने ऑर्डर नंबर के हिसाब से उठा लिया है अपना सब कुछ। ओके, और इसे आपको यहाँ से आ जाना है सीधे एंटर एंटर करके और इसे सेव कर लेना है, और इस तरह से आपका ये बन के तैयार है। ओके, अब हम चलते हैं इस पार्टी का लेजर खोलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अब हम सीधे आ जाएंगे डे बुक में, ये देख लीजिए। ओके, सबसे पहले परचेज वाला है तो इसको हाइड कीजिए और ये देखिए एक्स वाई जेड आपने सेल ऑर्डर जो दे रखा है था वो, और उसके अगेंस्ट में आपने डिलीवरी चलान जो बनाया है ये दोनों ही आपको यहाँ से दिखाई देगा। डिलीवरी चलान का पूरा डिटेल भी हम आपको दिखाते हैं। डिस्प्ले में इसके लिए आइए, डिस्प्ले में आने के बाद आप चले जाइए कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। ओके, यहाँ से सेल ऑर्डर अगर आपने सिर्फ ऑर्डर ले रखा है तो यहाँ से जिस पार्टी का ऑर्डर ले रखा है उस पार्टी को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ये ऑर्डर आपने जो ले रखा था मार्च में वो यहाँ से हट चुका है क्योंकि आपने इसके अगेंस्ट में बना दिया है क्या चलान, तो उसके लिए चलान अब गया कि नहीं बन के उसका फाइनल बिल या चलान पेंडिंग है वो आप यहाँ से सेल बिल पेंडिंग पे एंटर कीजिए और ये देखिए आपके सामने ये आ गया है डीसी चलान नंबर डिलीवरी चलान नंबर इतना 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 अभी तक आपका पेंडिंग है, ये अभी इसका फाइनल बिल बन के नहीं गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिलीवरी चलान बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।